सो गाइस बात करते हैं यहाँ पे बैटरी आइकॉन के बारे में। अगर आप लोग अपने फ़ोन में ओप्पो मतलब आप लोग अगर ओप्पो का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और आप लोग के फ़ोन में अगर बैटरी आइकॉन बैटरी परसेंटेज अगर शो ना करे तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ सॉल्यूशंस बताएंगे जिनको फॉलो करके आप लोग यह प्रॉब्लम को डेफिनेटली फिक्स कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप लोग को जाना है नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार पे। इस पर हमने क्लिक किया, आप लोग को स्टेटस बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो हम फ़ोन यूज़ करें वो कलर ओएस 12 पे रन कर रहा है। हो सकता है आप लोग के फ़ोन कलर आप लोग के पास कलर ओएस 11 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, तो आप लोग के फ़ोन में भी यहीं पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज होगा, ठीक है ना। तो अगर वो डू नॉट शो है तो आप लोग को उसको शो कर लेना है, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर इस यहाँ पे ऑन कर लेना है, आप लोग का जो बैटरी आइकॉन रहेगा वो शो होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये करने के बावजूद भी आप लोग का अगर बैटरी आइकॉन शो ना करे तो आप लोग को सिंपली बैक करना है। आप लोग अपने फ़ोन में जाइएगा रीसेट सेटिंग्स पे, आप लोग सर्च भी कर सकते, और आप लोग अपने फ़ोन में आल सेटिंग्स को रीसेट कर दे। इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी गलत एक्टिविटी हुई होगी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार पे तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और हमारी प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। इसमें आप लोग का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आप लोग को निश्चिंत रहना है। इसके अलावा जैसे आप लोग अगर ऑल सेटिंग्स को रिसेट करेंगे फिर से आप लोग को जाना है नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार पे और यहाँ से आप लोग अपना बैटरी परसेंटेज को ऑन कर दीजिएगा। आप लोग की प्रॉब्लम जो रहेगी यहाँ पे डेफिनेटली और नोटिफिकेशन आइकॉन जो रहेगा ये शो आइकॉन रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर ही लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।